हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गीता सिंह के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेके आई हूँ मैं एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और गर्म गर्म मिल जाए तो क्या कहने हैं। आओ देखते हैं ये कैसे बनी और इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं वेज हक्का नूडल्स। तो सबसे पहले तो मैंने ये नूडल्स का पैकेट लिया है जो प्लेन नूडल्स हैं, और ये मैंने साथ में लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें है मेरे पास गाजर और लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लहसुन और प्याज। तो इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से छील कर धो के काट लेंगे और नूडल्स जो हैं इनको हम बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नूडल्स को बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने गैस पर रख दिया ये पानी, पर इस पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हमारे नूडल्स चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो इन्हें गलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ओनली 5 मिनट में हमारे नूडल्स गल के तैयार हो जाएंगे। तो जितने हमारे पानी बॉईल हो रहा है तो इतने हम अब सब्जियों को कट कर लेते हैं। अब ये पानी अच्छे से उबलने लगा है। अब ये जो हमारे हक्का नूडल्स है इन्हें हम पानी में ऐसे ही डाल देंगे और ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे। और इधर ही हमारी सब्जियां भी कट हो गई। मैंने प्याज को भी, गाजर को भी और दोनों शिमला मिर्च को कट कर लिया है। अब हम रखेंगे गैस पर एक कढ़ाई। और देखो, इधर हमारे पानी और नूडल्स भी अच्छे से उबल रहे हैं। तो हमारी नूडल्स को हम चला के देख रहे हैं, देखो बिल्कुल एकदम अलग अलग हो गए हैं, पर अभी ये कच्चे हैं तो इन्हें हमें गलने तक पकाना है। इन्हें गलने में 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते और नूडल्स बन के हमारे एकदम तैयार हो जाएंगे। तो जितने हमारे नूडल्स गल रहे हैं इतने हम रख देते हैं एक कढ़ाई। तो ये रखी हमने एक कढ़ाई, जिसमें आज हम बनाएंगे हक्का नूडल्स। ये हमारे नूडल्स भी अच्छे से देखो पक चुके हैं, अपने साइज़ में डबल हो गए हैं। तो हम गैस को कर देंगे बंद और इसके पानी को करेंगे अलग, कि नूडल्स अलग और पानी अलग। और इधर हम गैस पे जो कढ़ाई रखी है, अब कढ़ाई हो गई गर्म, तो इसमें डालेंगे हम रिफाइंड। थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड डालेगा आज, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल से हक्का नूडल्स। और ये जो हमारे नूडल्स हैं, हम इस तरह से कोई बर्तन नहीं है, उस पर स्ट्रेनर रखेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। तो इस तरह से आप इसका पानी निकाल दें, जैसे पानी अलग नूडल्स अलग। तो ये मैंने सारा पानी निकाल दिया है, देखो। तो इस नूडल्स में हम डाल देंगे अब ठंडा पानी, जिससे कि नूडल्स अब और गलेंगे नहीं। एकदम ठंडा फ्रिज का पानी हमने इसमें डाल दिया है, जिससे हमारे नूडल्स गलेंगे नहीं। और इधर तेल हो गया गरम, इसमें डालेंगे लहसुन जिसको हमने कट किया है। और अब डालेंगे ये प्याज, तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ पिंक होने का भूनना है। ये जो गाजर है, जैसे मैंने पिछला बदल कट किया, उसे भी डाल देंगे साथ में। और अब ये जो हमारे पास दो कलर के कैप्सिकम शिमला मिर्च हैं, इन्हें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आज हम कुछ नहीं डालेंगे, आज हम डालेंगे देसी टेस्ट वाला अपना सेंट का मसाला। जब तो ये रखने का सब हो गया, तो आज इसमें हम अपने सब्जी में कोई नूडल्स नहीं डालेंगे। ये सिंक के जो मसाले आते हैं, आज हम उसमें डालेंगे पूरा एक पैकेट और इसे अच्छे से चला देंगे। ये सिंक के हमारे सीक्रेट मसाले हैं, या आपको राइस में भी, वेजिटेबल्स में भी कई तरह के मसाले मिलते हैं, उसके हम लेके आए नूडल्स पे। अब ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे मीडियम और ये जो हमारे नूडल्स हैं इसका भी हम पानी निकाल देंगे। ये नूडल्स का सारा पानी निकाल देंगे।
तो देखो इसमें बिल्कुल पानी नहीं बचा है। और अब ये जो हमारे नूडल्स हैं इन्हें हम डायरेक्ट इसमें इस तरह से डाल देंगे। तो आज हम अपने नूडल्स में कुछ और नहीं डालेंगे और सिर्फ ये डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस, और यह डाला था हमने चिंग्स का नूडल्स मसाला। और अब इन्हें हम जल्दी जल्दी से टॉस कर देंगे कि ऊपर नीचे सारी सब्जियां सोया सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो मसाले आपस में मिक्स हो जाए और एकदम ड्राई कर देंगे। तो हमारे आज बन रहे हैं हक्का नूडल, वेजी हक्का नूडल्स। इन्हें बनाने में मुझे लगे सिर्फ 7 मिनट। तो ये देखो हमारे हक्का नूडल्स बन के तैयार हो गए हैं, कितना अच्छा इस पर कलर आया। और हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ़ एक चिंग्स का नूडल्स मसाला डाला है। तो ये जो चिंग्स के मसाले हैं बहुत टेस्टी होते हैं, इसमें कई सारे फ्लेवर आते हैं, आपको वेजिटेबल फ्लेवर भी मिलेंगे, राइस का भी, मैगी का भी, और राजमा के कई सारे इसके फ्लेवर्स हैं, आप जो चाहें वो ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ एक पैकेट चिंग्स का मसाला और आपका खाना बनके बिल्कुल तैयार। तो हमारे नूडल्स भी देखो एक चिंग्स के पैकेट से बनके तैयार हो गए हैं। तो अब इन्हें हम सर्व करेंगे, और मैं सर्व कर रही हूँ आज इसे हाफ़ फ्राई के साथ। मैंने सारे नूडल्स निकाल दूंगी इस बाउल में। तो ये मैंने सारे जो मेरे नूडल्स हैं, जो मैंने हक्का नूडल्स बनाए हैं वेजिटेबल्स, मैं इन सबको इसमें डाल दूंगी। और ये साइड में बना रही हूँ मैं हाफ़ फ्राई। तो ये मैंने पैन में थोड़ा सा बटर डाला था, उसके ऊपर अंडा तोड़ दिया है, और हल्का सा डाल दिया था नमक। और ये हमारे हाफ़ फ्राई बनके हो गई है तैयार। तो उधर हमारे नूडल्स भी तैयार हैं और ऊपर से हाफ़ फ्राई। तो यम्मी ब्रेकफास्ट बनके हो गया तैयार ओनली 7 मिनट में। लेकिन मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि बिना कुछ और किए खाना हमेशा अधूरा रहता है, जितना वो देखने में अच्छा होगा खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसीलिए सर्व करते टाइम हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो देखो हमारे कलरफुल हक्का नूडल्स बनके हो गए तैयार, जिन्हें मैं सर्व कर रही हूँ यम्मी यम्मी हाफ फ्राई के साथ। अगर आपको मेरे हक्का नूडल्स विद हाफ फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय गीता सिंह रेसिपीज़।